आज आपको अवगत करवाएंगे एक ऐसे खूबसूरत पर्वतीय क्षेत्र से जहां से स्नूकर खेल की शुरुआत हुई। भारत देश अपने खूबसूरत हिल स्टेशनों के लिए जाना जाता है, जो पर्यटकों के लिए एक शांत और मनोरम गंतव्य बनाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है हेमंत त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सैर सपाटा। ऊटी एक बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है जो आपका स्वागत करती है सुंदर घास के मैदान, सुखदायक वातावरण, शांत मौसम और यात्रा करने और प्रशंसा करने के लिए दर्शनीय स्थलों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ। यह स्थान पश्चिमी घाट क्षेत्र में 2240 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह नीलगिरी जिले का मुख्यालय है जहां दो पर्वत श्रृंखलाएं मिलती हैं। ऊटी में प्रत्येक पर्यटक स्थान एक कभी ना भूलने वाला और बेहतरीन अनुभव प्रदान करता है, जो आने वाले कई दिनों तक आपको सोचने के लिए दे जाएगा ढेर सारी यादें और इस स्थान के बारे में विचारने के लिए मजबूर कर देगा। अब आपको बताते हैं ऊटी से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। संस्कृति, यहाँ की संस्कृति में अंग्रेजी झलक भी देखने को मिलती है। ब्रिटिश स्थापत्य कला में बना द लॉरेंस, गुड शेफर्ड और हेब्रॉन स्कूल इसका उदाहरण है। अब आपको बताते हैं ऊटी में घूमने के लिए कुछ चुनिंदा पर्यटन स्थल जो आपको बेहद पसंद आएंगे। बोटैनिकल गार्डन, प्राचीन वनस्पतियों के लिए प्रसिद्ध 22 हेक्टेयर में फैला है बोटैनिकल गार्डन। फोटोग्राफी के लिए यह जगह उपयुक्त है। टी फैक्ट्री से उठती चाय की खुशबू पर्यटकों का मन मोह लेती है। मशीनों से चाय को बनता और पैक होता देख आगंतुकों के लिए एक नया अनुभव होता है। डोडा बेटा चोटी, दक्षिणी भारत की 8650 फीट की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा इसी राज्य में स्थित है। यहाँ ट्रैकिंग पसंद लोग आना पसंद करते हैं। रोज गार्डन, करीब 20,000 गुलाबों की विविधता के साथ ऊटी का रोज गार्डन भारत का सबसे बड़ा रोज गार्डन है। अवलांचे और ऊटी झील, फिशिंग का लुत्फ उठाने के लिए अवलांचे झील से बेस्ट कुछ नहीं है। ऊटी झील एक मानव निर्मित झील है। यहाँ आने वालों के लिए यहाँ एक बोट हाउस है जो पर्यटकों को बोटिंग का एक मजेदार अनुभव प्रदान करता है। मधुमलाई वन्य जीव अभ्यारण्य, मधुमलाई का वन्य जीव अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व के लिए जाना जाता है। यहाँ पर जानवरों और पक्षियों की विविधता देखी जा सकती है। स्टोन हाउस, सन 1822 में ब्रिटिश गवर्नर जॉन सुलिवान का बंगला था स्टोन हाउस। ऊटी में बना हुआ यह पहला बंगला है। आज के वक्त में गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल यहां रहा करते हैं। ऊटी माउंटेन रेलवे, 1908 में ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाई गई थी ऊटी माउंटेन रेलवे। ट्रेन यहां आज भी प्राचीन भाप इंजन द्वारा चलाई जाती है। स्टीफेंस चर्च, प्राचीन कला को प्रदर्शित करता हुआ नीलगिरी के प्राचीन चर्च में से एक। स्टीफेंस चर्च 19वीं शताब्दी में बनाया गया था। बाजार, तिब्बती बाजार, म्युनिसिपल मार्केट, फार्मर्स बाजार, नीलगिरी सहकारी सुपरमार्केट, प्रभा मिनी सुपरमार्केट, यहाँ स्थित कुछ बाजार हैं। कहाँ ठहरें? ठहरने के लिए आपको यहाँ आपके बजट में 1,000 से लेकर 10,000 तक होटल्स मिल जाएंगे। होटल लेक व्यू, होटल दर्शन, होटल श्री कृष्ण रेजिडेंसी और सेलिब्रेशन कॉटेज यहाँ स्थित कुछ अच्छे होटल्स हैं। कैसे पहुँचे? रेल, वायु और सड़क मार्ग से सुगमता से ऊटी पहुँचा जा सकता है। हवाई मार्ग के लिए कोयम्बटूर हवाई अड्डा सुगम रहेगा। रेल माध्यम के लिए कोयम्बटूर रेलवे जंक्शन पर उतरकर आपको टॉय ट्रेन लेनी होगी। हैंगआउट प्लेस, नीलगिरी माउंट रेलवे, अवलांचे और ऊटी झील, कलहट्टी वाटरफॉल, डियर पार्क, यहाँ स्थित कुछ प्रमुख हैंगआउट स्पॉट्स हैं जहाँ आप दोस्तों के साथ अच्छा वक्त गुजार सकते हैं। फिलहाल के लिए पर्यटन से जुड़ी रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। आगे भी आपके साथ जुड़ेंगे एक नई रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल मीडिया दरबार से। धन्यवाद।